दोस्तों, मैं हूं लवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल पिंडवाला। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ड्रीम इलेवन पे आप अपना बैंक का अकाउंट है वो कैसे आप ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपका जो बैंक का अकाउंट है वो आप उसकी डिटेल ड्रीम इलेवन पे कैसे आप फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के अंदर चले जाना। ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन अंदर जाने के बाद आपको देख सकते हैं नीचे होम है, माई मैच, फीड, मोर, आपको काफ़ी सारी ऑप्शन मिलेगी। ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सीधे चले जाना है टॉप पे लेफ्ट साइड। एप्लीकेशन ऑन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड टॉप पे चले जाना, वहाँ पे आपको आपकी प्रोफाइल मिल जाएगी। फिर आपको क्लिक कर लेना, काफ़ी सारी ऑप्शन मिलेगी आपको। माय प्रोफाइल, तो माय बैलेंस पे देख सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड कैश है, अगर आप कैश ऐड करना चाहते हैं ड्रीम इलेवन पे तो वो आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आप अपना अकाउंट नंबर है वो ड्रीम इलेवन पे कैसे ऐड करना। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई नो लिखा रहा है, वेरीफाई नो लिखा रहा है। तो दोस्तों, आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, तीनों आप जब वेरीफाई कर लेंगे, फोर्थ नंबर पे आपका मिल जाएगा आपको बैंक डिटेल। आपको अपना अकाउंट नंबर, फिर से दोबारा आपको अपना अकाउंट नंबर आयो वो आपको टाइप करना, आईएफएससी कोड, बैंक का नेम, तो आपकी कौन सी ब्रांच है वो सिटी का आपको नाम लिख देना। दोस्तों, ये सब फिलअप करने के ऊपर आपको ऑप्शन मिल रही होगी अपलोड अकाउंट प्रूफ। तो आपको अपनी जो पासबुक है, चेकबुक है या बैंक की स्टेटमेंट है वो आपको फ्रंट पेज उसका क्लिक कर लेना, फ़ोटो आपको ले लेनी है उस पेज की, पासबुक, चेकबुक एंड कोई भी आपको बैंक स्टेटमेंट। तो दोस्तों, अगर आपने क्लिक करनी है तो आप कैमरे पे क्लिक कर सकते, अगर ऑलरेडी आपने क्लिक कर रखी है तो आपको गैलरी में पे चले जाना, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मैंने वो पिक्चर अपनी बैंक की जो मैंने फ्रंट पेज जहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा होता वो मैंने क्लिक कर लिया, वो मैंने यहाँ से अपलोड कर देनी है। तो दोस्तों, देख सकते हैं हम यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल सेव, तो यो मेरे बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अंडर रिव्यू दिखा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने अभी अभी जो अपना अकाउंट नंबर है वो डिटेल फिल की, उसके बाद ही यहाँ पे विदड्रा लिखा रहा। तो पहले आ रहा था वेरीफाई नो, तो अब आ रहा है विदड्रा, तो देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट है वो जब 200 होंगे तभी आप विदड्रा कर सकते हैं, 200 से पहले आप अपने पैसे जो विदड्रा नहीं कर सकते।